गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुसलमान न्यूज पढ़ के यहाँ पे लेकिन मैं यहाँ से खाली कर दूंगी, बंद कर दूंगी। रोजी रोटी आज भी खत्म है, कल भी खत्म है। बाकी हम यहाँ निवास नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब आप गुरुग्राम न्यूज की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गुरुग्राम में पिछले लगभग 2 महीने से खुले में नमाज का विरोध किया जा रहा है और अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर ये लगेगा कि क्या गुरुग्राम में साजिश के तहत जानबूझकर खुले में नमाज कराई जा रही है। क्या मुस्लिम समाज के लोग जबरदस्ती खुले में नमाज करा रहे हैं? दरअसल ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये आरोप मुस्लिम समाज के ही उन लोगों ने लगाया है जिनकी दुकान के सामने खुले में नमाज अदा कराई जा रही है। दरअसल पिछले सप्ताह गुरुग्राम के सेक्टर 12 इलाके में एक सार्वजनिक जगह पर खुले में नमाज कराई गई, जहां पर हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात रहा और अब बात ये सामने निकल कर आई है कि जिस दुकान के सामने नमाज कराई जा रही थी वो भी एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति की दुकान है और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी दुकान के सामने जबरदस्ती यहां पर नमाज कराई जाती है। हाजी शहजाद नाम का एक शख्स, जो कि साल 2018 में जब खुले में नमाज का विरोध हुआ तो उसने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था और मुस्लिम समाज की तरफ से वही इस पूरे जो मूवमेंट है उसको आगे लेकर चल रहा था और मुस्लिम समाज की तरफ से अपना पक्ष रख रहा था। अब सेक्टर 12 में रईस खान, जिसकी ये फर्नीचर की दुकान है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हाजी शहजाद खान ज़बरदस्ती उनकी दुकान के सामने नमाज करा रहे हैं और यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आज रईस खान और उसके भाई मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती यहाँ पर नमाज कराई जाती है और पिछले 4-5 बार से यहाँ पर नमाज होने लगी है, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं और ज़िला प्रशासन से उनको परमिशन मिली है। सबसे पहले आपको रईस खान, उसके भाई और उसकी माता की बातें सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं मुस्लिम पक्ष पर कि उनकी दुकानों के सामने ज़बरदस्ती नमाज अदा कराई जाती है जिससे उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा है। और जो ये नमाज का इशू चल रहा है, इसको हम लगातार 2-3 बार से मैं मना करता हुआ आ रहा हूँ इसको। मैं तो ये एक तरीके से ज़बरदस्ती ही लगा लो, हमारे काम धंधे में भी फ़र्क पड़ रहा है इससे और डर का माहौल बना हुआ है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल हो जाए नॉर्मल, जैसे हम पहले से खाते कमाते आ रहे थे पहले की ही तरह ही हो जाए दोबारा से ये चीज़ें। जिला प्रशासन की तरफ से कोई हमारे को मतलब वैसे तो किसी का वो नहीं मिल रहा है कि भाई हम आपको डरा रहे धमका रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लेकिन जो एक स्थिति बनी हुई है, मना करने के बावजूद भी एक सामने वाला है जो ज़बरदस्ती बोल रहा है कि हम यहाँ पे नमाज ही करवाएंगे। कौन? वो शहजाद। कौन है शहजाद? चेयरमैन ही है, बताते हैं आपको। आप मुसलमान हैं? हाँ जी। आपकी दुकान है? मेरी दुकान है जी। पिछले फ्राइडे को यहाँ परेशानी जो हुई थी, हाँ जी। नमाज कितने सालों से यहाँ नमाज होता है आपके यहाँ? यहाँ तो ज्यादा ज्यादा ये 4 बार हुई है, 5वीं 6ठी बार नमाज हुई है बस। हाँ जी, बोल रहे हैं 5 साल से हो रही है। जो उस दिन जो नमाज लोग कर रहे थे आपके दुकान के सामने, तो आप लोगों ने मना नहीं किया कि यहाँ क्यों कर रहे हो? आप भी तो नमाज अदा करते हो। उससे पहले तो हमने बहुत बार मना किया था, अब की बार जो प्रशासन था हम तो बिल्कुल ही साइड में थे। तो आपकी दुकान के सामने कोई कैसे नमाज कर सकता है बिना आपकी इजाजत का? सरकारी लैंड बता रखी है वो। अब सरकारी लैंड हम तो इसके जिम्मेवार हैं, हमारे तो अंदर वो घुस नहीं सकते। सरकारी लैंड बताते हैं तो भाई ठीक है जी, उनके पास वो परमिशन दिखा रहे तो ठीक, इतना ही था बस, इतना ही था बस। कितने सालों से यहाँ पे? हमें हो गए 25 साल और पंडित जी की जगह में हमारे को हो गए 40 साल। यहाँ पे 40 साल यहाँ पे? हाँ, 25-40 साल समझ लीजिए हम इनकी जगह पे। 40 साल पहले यहाँ से कहीं कोई नमाज नहीं होता था? कभी कभी नहीं, कभी। जो लोग हैं कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, उनको पहचानते हो जो नमाज यहाँ ना? हम नहीं पहचानते जी। देखो कोई मिस्त्री है, कोई कारीगर है, आस पास की दुकानों पर ये काम करते हैं, ठीक है। और ये कोई जो होता थोड़ी बहुत 10-15 मतलब जो लोग नमाज यहाँ, हम किसी को नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते। इसका मतलब है कि ये बाहरी लोग हैं, कहीं बाहर से आते हैं? सब बाहरी हैं जी, बिल्कुल। मामला ये है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किससे? ये नमाज होने से परेशानी हो रही है हमें, ठीक है जी। दूसरी बात, मना भी काफ़ी किया, ठीक है, नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहा? शहजाद जी हैं जो, वो नहीं मान रहे। उनको परमिशन दिखा देते हैं कि हम तो सरकारी जगह पर करा रहे हैं, ठीक है जी। आपने ये नहीं पूछा कि हमारी दुकान यहाँ 25 साल से है और आप 4 बार से यहाँ नमाज कर रहे हो? बोलता है कि मतलब हमसे कोई लेन देन नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, हम सरकारी जगह पे करा रहा हूँ, ये बात कह के वो।
बड़ा अलग इंटरव्यू देता है, मीडिया आती है उसकी। अच्छा, वो मीडिया लेकर आते हैं अपना इंटरव्यू? कई बार आ चुकी है। अच्छा, तो क्या उनके खिलाफ आप लोग लिखित शिकायत दे रहे हो? खिलाफ नहीं दे रहे सर, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये चीज़ें खत्म हो जाए। हमें परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, हमारा काम वाम सब खत्म है। सवाल देखो यह है कि अगर आप पहले से यहाँ नहीं हो रहा है और बाहर का कोई व्यक्ति आता है आपके सामने बैठकर, कौन है, क्या रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, या कुछ वैसे आतंकवादी टाइप के लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपकी 25 साल से दुकान है तो अमूमन आप जानते होंगे? नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, कोई नहीं है, कोई जानकार नहीं है। शहजाद को इसलिए जानते हैं, शहजाद को कई बार मिले हैं, सराय गाँव से, पालम बिहार से, भाई इतना पता है हमें। बिहार का आदमी यहाँ क्यों करता है? अब सर हमें नहीं पता इस चीज़ का। नहीं, आप भी आप उस कौम से हैं, आपको ये होता है कि जो व्यक्ति बाहर का है वो आकर यहाँ नमाज करेगा, ये तो समझ नहीं आ रहा है ना सर? इस बात का कुछ नहीं पता। जब तंगी कर रहे हैं, जब नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं हम? जब 40 साल से हम यहाँ बैठे हैं, जो भी वो पढ़वा रहा है, हम 40 साल से यहाँ बैठे हैं, कोई ये बता दे हमारे बच्चे कैसे हैं? अब चाहे कोई हमारे खिलाफ बेशक हो जाओ, बाकी मेरे बच्चे एक नंबर के बच्चे हैं, लेकिन मैं यहाँ से खाली कर दूंगी, बंद कर दूंगी, रोजी रोटी आज भी खत्म है, कल भी खत्म है, बाकी हम यहाँ निवास नहीं होनी चाहिए। तो वो जो आपके लोग हैं वो आप ही? हमारा कोई लोग नहीं है, हमारे कोई नहीं है, कौम के पीछे चलते नहीं, कौम के पीछे चलते तो हम ऐसी बात ही ना होने देते, हम किसी कौम के पीछे ना आए। आखिर वे लोग क्या चाहते हैं जो लोग? भाई वो उनसे पूछो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। हम नहीं चाहते यहाँ कोई बवाल हो, मेरे बच्चे ने कोई तंग ना करे। सेक्टर 12 में सरकारी जमीन पर हुई इस नमाज का विरोध करने जब हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे तो उस समय ये कहा गया था कि ये जमीन एक निजी व्यक्ति की है और उनकी जमीन पर ये दुकान बनी है, उसके सामने नमाज यहाँ पर अता की जाती है। लेकिन आज इस दुकान के मालिक यानी कि इस जमीन के मालिक भी यहाँ पर पहुंचे, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर उनकी दुकान है और उनकी दुकान के सामने जो नगर निगम की जमीन है उस पर जबरदस्ती यहाँ पर नमाज अदा कराई जा रही है। साफ तौर पर आरोप लगाया गया हाजी शहजाद खान पर, जिनका ये कहना है कि हाजी शहजाद सराय अलावर्दी में रहते हैं, जबकि गुरुग्राम में कहीं भी जब सार्वजनिक जगहों पर नमाज होती है तो शहजाद वहां पर पहुंच जाता है और लोगों से ज़बरदस्ती खुले में नमाज अदा कराता है। क्या कुछ आरोप लगाए हैं कुलभूषण भारद्वाज, जो कि एडवोकेट हैं, पिछले 2 महीने से लगातार खुले में नमाज का वो भी विरोध कर रहे हैं, और इस सेक्टर 12 की जमीन के मालिक भी, जिनकी जमीन पर ये दुकान बनी है और उस दुकान के सामने यहाँ पर नमाज अदा कराई जाती है, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मैं अदालत में था, भाई साहब भी अपने काम से थे, ये जो हमारे इस्लाम भाई हैं, इनके बच्चे हैं जो, इन्होंने हमें बुलाया और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमने पूछा भी बताओ क्या मामला है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम चाहते नमाज ना हो, तो मैंने कहा आप अपना विरोध करो। तो इन्होंने कहा जी हमने शहजाद को कई बार बताया कि भाई यहाँ नमाज अदा ना करो ना करो ना करो, लेकिन वो ज़बरदस्ती यहाँ पर जो है नमाज अदा कराते हैं। तो आप, हम आपके चैनल के माध्यम से जो हमने उस दिन भी इसी यही बात कही थी कि यहाँ ही के लोग विरोध कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लाम भाई इस दुनिया में नहीं है उनके बच्चे विरोध कर रहे हैं। अभी आपने उनके दोनों बेटों से बात की, उनकी जो बेवा है उनसे आपने बात की है, उनका भी यही कहना है और हम भी यही कहते हैं कि भाई अपने नमाज अदा करो, मस्जिद में जाके नमाज अदा करो, गुरुग्राम के अंदर खुले में कहीं पर भी नमाज अदा ना करो। किस बात के लिए आप जो जानबूझकर ज़बरदस्ती जो है इस्लाम के अंदर भी आप इस प्रकार का गलत काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। भारद्वाज जी, अमूमन जब हम वीडियोस देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, जिसके नाम की वह व्यक्ति यहाँ नमाज करवाता है, वो सेक्टर 47 में भी मिलता है, वो पालम बिहार का रहने वाला है और हर जगह मिलता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका कहीं ना कहीं ये लोग भड़काने की कोशिश? ये व्यक्ति रहता है जो है सराय, ये सराय में रहता है और गुरुग्राम में जहाँ पर भी नमाज अदा होती है ये सब जगह पहुँचता है, चाहे 47 सेक्टर हो, चाहे सेक्टर 12 हो, चाहे सेक्टर 40 हो। इसको जो फंडिंग हो रही है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी आग्रह और निवेदन कर रहे हैं शासन और प्रशासन से कि जो शहजाद नाम का व्यक्ति है इसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है कि ये पूरे गुरुग्राम के अंदर इस प्रकार से लोगों के साथ ज़बरदस्ती करके, अभी आपने मुस्लिम परिवार से जानकारी ली है, उनको भी ज़बरदस्ती जो है इसने यहाँ पर नमाज अदा कराने का प्रयास कर रहा है, लगातार शहर का वातावरण जो ख़राब कर रहा है ये शहजाद नाम का व्यक्ति कर रहा है। तो क्या इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल निश्चित रूप से, आज जैसे परिजनों से बात हुई है उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से भी शासन और प्रशासन भी आगाह हो, और हम तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ जो है एप्लीकेशन देंगे ही देंगे कि इसकी आदमी की जांच होनी चाहिए, ये आदमी शहर का माहौल ख़राब कर रहा है। माहौल ख़राब मुस्लिम समुदाय से जो नाम उसका शहजाद नाम का जो आदमी है, माहौल ख़राब करने की वो कोशिश कर रहा है। आज जो मुस्लिम परिवार यहाँ जिनका व्यापार है उन्होंने हमें यहाँ बुलाया था आग्रह करके कि आप यहाँ आओ, उस दिन जो हमने एतराज़ किया यहाँ नमाज ना पढ़ी जाए, आज से 5-3-4 वीक से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, लगातार ये विरोध कर रहे हैं। इस्लाम
भाई इस दुनिया में नहीं है, उनके 3-4 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। वैसे तो उनको खुद ही शर्मानी चाहिए, जिनके बच्चों के ऊपर से बाप का साया 4 महीने पहले उठाओ, उन बच्चों को आज परेशान किया जा रहा है। इन्होंने आग्रह किया, वो अम्मा जी ने भी आग्रह किया कि बेटा हमारा साथ दो, यहाँ नमाज ना पढ़े, हमारा बिजनेस तो खराब हो ही रहा है। हाँ यही हालत, हम यहाँ से अपनी दुकानदारी खाली करके कहीं और चल जाएंगे, भूखे मरेंगे। गुरुग्राम में जो आरोप लगाए गए कि साजिश के तहत हाजी शहजाद खान जबरदस्ती सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करा रहे हैं, इन आरोपों पर जब हमने शहजाद खान से बात की तो उनका ये कहना है कि ये बेबुनियाद आरोप हैं, जबकि ये वो जगह हैं जो साल 2018 में जिला प्रशासन ने तय की थी और उन्हीं तय जगहों पर ही नमाज अदा कराई जाती है और उनको खामोखा टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, ऐसा कहना है हाजी शहजाद खान का। अब देखना होगा कि इस बार भी शुक्रवार को जुमे की नमाज का विरोध गुरुग्राम में किया जाता है या प्रशासन इसका कोई हल निकालता है ताकि धार्मिक सौहार्द ना बिगड़ पाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।